हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुंडलिनी या सात चक्रों के बारे में बात करूंगा। बहुत से लोगों का ये सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत क्यूरियस टॉपिक है बहुत से लोगों का ये, क्योंकि मैं जब भी ये टॉपिक YouTube पे सर्च करता हूँ तो बहुत से वीडियोस भरे पड़े हैं और उनके कमेंट्स, उनके लाइक्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक के पीछे पागल होंगे। तो आज का टॉपिक है कुंडलिनी और सात चक्र। आपने बहुत से वीडियोस में देखा होगा कि लोग बताते हैं कि जो सात चक्र है वो हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये जो फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर और चार बॉडीज होती है, जिसे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये चार कोश रहते हैं अपने इस फिजिकल बॉडी के अंदर। तो जो मनोमय कोश है, जो विचारों से और भावनाओं से बना है, उस मनोमय कोश के अंदर ये सात चक्र आते हैं, ना कि ये फिजिकल बॉडी के अंदर। वो मनोमय कोश के अंदर आते हैं सेवन चक्रस। तो अभी ये सात चक्र जो है, ये सेवन एनर्जी सेंटर्स जो है, वो एक्चुअली में है क्या? ये बेसिकली आपके सेवन इमोशंस है। ध्यान से सुनिएगा, जो सेवन बेसिक इमोशंस है जो ह्यूमन एक्सप्रेस करता है, सेवन इमोशंस जो होते हैं, ये वही आपके सेवन एनर्जी सेंटर्स या सात चक्र है। अब इससे पहले कि यदि मैं ये सात चक्र के बारे में कुछ बोलूं, थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा आपको कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। कॉस्मिक एनर्जी होती है क्या? कॉस्मिक एनर्जी जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और हम ह्यूमंस के अंदर वो 24/7 आती रहती है। यहाँ पे अपना जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो होता है वो रिसीव करती है एनर्जी, और वो मेड्यूला ओब्लोंगेटा थ्रू आउट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है कॉस्मिक एनर्जी को। लेकिन हमारे मन में इतने सारे विचार, इतने सारे इमोशंस, ये सब होते हैं कि हम उस एनर्जी को स्टोर या यूटिलाइज प्रॉपरली कर ही नहीं सकते। हम एनर्जी खपाते रहते हैं। अभी एनर्जी ऐसी है, लेट से अभी आपने रात को खाना नहीं खाया, आप थके हुए, आपने खाना खाया भी नहीं, और यदि आप सो गए तो फिर भी आप अगले दिन इतने तरोताज़ा, इतने फ्रेश उठोगे, वो कैसे हुआ? आपने खाना तो खाया नहीं, फिर भी आप इतने तरोताज़ा कैसे उठे? तो वो कॉस्मिक एनर्जी है। रात में आपके मन में, जब आप गहरी नींद में होते हो, तो आपके मन में ना कोई विचार, ना भावना, कुछ नहीं होता, इसलिए वो एनर्जी थ्रू आउट आपके बॉडी में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो एनर्जी आप में ताकत देती है और अगले दिन फ्रेश उठते हो। लेकिन जब आप उठते हो या आप काम में होते हो, तो आप अपने मन में, जो आपका कॉन्शियस माइंड जो एक्टिव रहता है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स, इमोशंस रहते हैं, इसलिए वो एनर्जी को बाहर फेंकते रहता है बॉडी से, जब क्योंकि आप इमोशंस एक्सप्रेस करते रहते हो इसलिए। तो ये था कॉस्मिक एनर्जी। अभी सात चक्रों के ऊपर मैं आऊँगा। अभी जो सात चक्र, जो सेवन एनर्जी सेंटर्स है, ये सेवन इमोशंस जो है, ये इसे आप ऐसे समझिए कि जो सबसे पहला इमोशन जो है, जो या जो चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वो फियर से एसोसिएटेड है। मतलब आपके मन में डर रहता है, डर, तो इसलिए वो चक्र खुल नहीं पाता प्रॉपरली। मतलब जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन हो जाने के बाद आपको एक एकदम हल्का सा, लाइट सा फील होता है। मतलब आपने थोड़ी देर के लिए कुछ इमोशंस को रिलीज़ कर दिया, मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी हो गई, इसलिए आप हल्का महसूस करते हो, लेकिन वो टेम्पररीली होता है।
क्योंकि फिर से जब मेडिटेशन हो जाता है आप अपने काम में लग जाते हो, फिर वही विचार, फिर वही फ्रस्ट्रेशन, फिर वही गुस्सा, फिर वही फियर, ये सब आते रहता है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। अभी लेट्स से ये आप डायग्राम देखिए, सॉरी मेरे डायग्राम थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ये ह्यूमन है ठीक है। अभी जो छोटे छोटे होल देख रहे हो, ये 3, 4, 5, 6, 7 चक्रस होंगे। अब ऊपर से एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी एंटर हो रही है ठीक है, वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन जब आप सोचते रहते हो बार बार थॉट्स इमोशंस, तो ये एनर्जी ऐसे निकल दी जाएगी, ऐसे ऐसे निकल दी जाएगी, मतलब आप एनर्जी खपा रहे हो। तो ऐसे देखिए कि जब कोई डिप्रेशन में होता है और जब उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो कैसे वो थक जाता है, मतलब उसमें बहुत सी थकान रहती है क्योंकि उसके इमोशंस उसके खुद के कंट्रोल में रहते नहीं और वो कुछ करने के, मतलब कुछ भी करने की उसमें इच्छा नहीं होती। अब जो सबसे पहला जो मूलाधार चक्र है यहाँ, तो यहाँ पे जब ये एसोसिएट है फियर से, डर से, तो जब डर को, जब आप मतलब जब आप मेडिटेशन करते रहते हो तो थोड़ी देर के लिए डर तो गायब हो जाता है लेकिन परमानेंटली गायब नहीं होता, इसलिए वो चक्र खुलता है फिर बंद हो जाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष जो होते हैं उनका ये जो चक्र है उनका पूरी तरह कंट्रोल में रहता है, वो पूरी तरह ओपन रहता है, वो बंद होता नहीं है। अभी आप में से बहुत से लोग यूट्यूब में देखते होंगे, बोलते होंगे कि मेरी पूरी तरह से कुंडलिनी पूरी तरह जागृत हो चुकी है, वो सब बकवास करते हैं। उनके सामने एक सांप या बिच्छू रख दो, वो डर के मारे भग जाएंगे वहाँ से, और वो कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत है, सब बकवास है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से ये सर्कल जो है आपका मूलाधार चक्र है ठीक है, तो ये फियर इसमें पूरा भरा पड़ा होता है, पूरा भरा है इसमें एनर्जी, आपके ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है लेकिन आप उसे इधर उधर थॉट्स एंड इमोशंस थ्रू से बाहर निकाल रहे हो। लेकिन जब आप पूरी तरह से फियर को मास्टर कर लोगे तो एक्सप्रेस होगा नहीं, निकलेगा नहीं फियर, ऐसे एनर्जी निकलेगी नहीं कहीं पे, और वो जो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से आ रही है या स्टोर होना चालू होती जाएगी, भरती जाएगी, कुछ कहीं से निकलेगी नहीं क्योंकि आपको फियर एक्सप्रेस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आपने पूरी तरह फियर पे, डर पे पूरी तरह काबू पा लिया है। तो एग्जांपल के तौर पे जो सिद्ध पुरुष होते हैं जैसे गौतम बुद्ध हो गए या साई बाबा हो गए या भगवान श्री कृष्ण हो गए, तो उनमें आप कभी भी देखिएगा उनके इमोशंस उनके पूरे तरह कंट्रोल में होते हैं उनमें, या कभी भी देखिएगा या पढ़ा होगा आपने, उनके जब किसी घर वालों की मृत्यु हो गई तो उन्होंने कभी भी दुख व्यक्त नहीं किया, या भगवान श्री कृष्ण ने अपने सगे मामा को मारने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, कुछ भी उन्होंने ये नहीं किया, सीधा उन्होंने मार दिया। या गौतम बुद्ध का देख लीजिए, जब वो बुद्धा बने जब वो घर वापस आए तो जब उनके घर वालों ने कहा कि यहीं पर रुक जाओ तो उन्होंने मना कर दिया, और उनके घर वालों का रोना धोना उन पर कुछ इफेक्ट नहीं किया। तो ऐसा ही होता है, जब फियर पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है तो ऐसे निकलती नहीं है, मतलब आप एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे हो फियर, तो जो ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है तो यहाँ स्टोर होना चालू हो जाएगा मूलाधार चक्र में। तो ऐसे ही हर एक चक्र पे आपको जो इमोशन है उसको कंट्रोल करना है पूरी तरह से, और वो एनर्जी वहाँ स्टोर करनी है। तो ऐसा होता है ना कि आपने भी, बहुत से लोग बोलते हैं कि टेक्निक थ्रू, हाँ वो सच बात है लेकिन कोई बताएगा नहीं आपको कि बेसिक जो इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करना ही चक्र को मास्टर करना होता है, ये बेसिक है। तो ऐसे हर एक 7 चक्रस जो है, जो 7 इमोशंस है, जब पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएंगे तो ही ऐसा कहना उचित रहेगा कि उसकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो गई है। और ऐसे दुनिया में कुछ गिने चुने 3 या 4 लोग ही मिलेंगे, वो भी अपने आप को इस
संसार के सामने लाना ठीक नहीं समझते, वो अपने एकांत में रहते हैं, अपने साधना में व्यस्त रहते हैं। तो कोई भी जो यूट्यूब में ऐसे फालतू के बोलते हैं कि मैंने कुंडली जागृत कर ली, वो एक तो बकवास कर रहा है, वो सरासर झूठ बोल रहा है। किसी को भी अभी यदि आपको टेस्ट करना हो कि उसकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह जागृत हो गई है, तो उसको बस इतना डराने की कोशिश कीजिएगा, यदि वो डर गया तो समझ लीजिएगा कि उसकी कुंडलिनी शक्ति अभी तक जागृत हुई नहीं है। जो सबसे पहला चक्र है ये वही अभी तक मास्टर हुआ नहीं है, तो आगे के चक्र कैसे जागृत हो गया, कैसे कैसे करेगा वो। तो ये सिंपल सी चीज़ है। और बहुत से टेक्निक्स है, जैसे अभी क्रिया योग हो गया या भक्ति योग से आप इतने, मतलब आप उस मेडिटेशन में इतने घुल मिल जाते हो कि आपको इन इमोशंस का एहसास ही नहीं रहता, और धीरे धीरे आपके माइंड से गायब होना चालू हो जाता है वो इमोशन, तो वही फिर आप पे हावी होता नहीं है ये इमोशन। तो बेसिकली यही था कहने का तात्पर्य कि एक एक इमोशन को कंट्रोल करके ही एक एक चक्र मास्टर किया जाता है। सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और फिर सहस्त्रार। और जब सहस्त्रार तक एकदम बात आ जाती है, सहस्त्रार पे जब एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो एनर्जी को इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अपनी बॉडी झेल नहीं पाती। इसे ऐसे समझिए, अभी आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था कि मैं ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मेरी सोल ग्रो हो रही है। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि उनकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ गई है, उनकी चेतना इतनी बढ़ गई है, उनकी कुंडलिनी इतनी तीव्र गति से जागृत हो गई है कि वो बॉडी झेल नहीं पाएगी, वो एनर्जी झेल नहीं पाएगी। तो आपने कभी भी देखा होगा कि जो भी समाधि में ज़्यादातर लोग रहते हैं या जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जैसे कोई भी ले लीजिए, देवराह बाबा हो गए, नीम करौली बाबा हो गए, वो ज़्यादा देर तक समाधि में रह ही नहीं सकते, क्योंकि समाधि में होता क्या है कि कॉन्शियसनेस जो है अपनी बॉडी में आप एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन जब समाधि में होते हैं तो वो उनकी कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपांड हो जाती है कि बॉडी झेल नहीं पाती, तो उनको बॉडी इन द एंड उनको गिव अप करना ही पड़ता है। तो ये तात्पर्य है कि जब कुंडलिनी जब पूरी तरह जागृत हो जाती है और जब सहस्त्रार पे पूरा सहस्त्रार चक्र जब मास्टर हो जाता है, तो इन दी एंड भगवान या ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी झेल नहीं पाती और वो जो सोल है वो निकल आती है बाहर ऊपर कपाल से और मर्ज हो जाती है वो ब्रह्म में। तो ये है कुंडलिनी के बारे में कुछ इन्फो और सेवन चक्रस के बारे में इन्फो। बस ये सेवन चक्रस या सेवन इमोशंस ही है जिसको मास्टर करना ही, सेवन इमोशंस को मास्टर करना ही सेवन चक्रस को मास्टर करना कहते हैं, और इन दी एंड पूरी तरह कुंडलिनी जागृत हो गई है ऐसा कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कुंडलिनी और सात चक्र के बारे में। आई होप मैंने इनफ एक्सप्लेन किया होगा, ऐसा कहना ठीक रहेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।